एकादशी व्रत का शास्त्रों और पुराणों में बहुत महत्व बताया गया है। इस व्रत को लेकर कई नियम और मान्यताएं भी हैं। इनमें चावल नहीं खाना शामिल है। इसके पीछे धार्मिक कारण के साथ साथ वैज्ञानिक कारण भी बताया गया है। वर्ष की 24 एकादशियों में चावल ना खाने की सलाह दी जाती है। ऐसा माना गया है कि इस दिन चावल खाने से प्राणी रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म पाता है, किंतु द्वादशी को चावल खाने से इस योनि से मुक्ति मिल जाती है। अब सबसे पहले हम धार्मिक कारण की बात करेंगे। जहां चावल का संबंध जल से है, वही जल का संबंध चंद्रमा से है। पांचों ज्ञान इंद्रियां और पांचों कर्म इंद्रियों पर मन का ही अधिकार है। मन ही जीवात्मा का चित स्थिर अस्थिर करता है। मन और श्वेत रंग के स्वामी चंद्रमा है, जो स्वयं जल रस और भावना के कारक है। इसलिए जल तत्व राशि के जातक भावना प्रधान होते हैं, जो अक्सर धोखा खाते हैं। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का निग्रह और सात्विक भाव का पालन करना अति आवश्यक होता है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजों को खाना वर्जित कहा गया है। एकादशी के दिन शरीर में जल की मात्रा जितनी कम रहेगी, व्रत पूर्ण करने में उतनी ही अधिक सात्विकता रहेगी। महाभारत काल में वेदों का विस्तार करने वाले भगवान व्यास ने पांडव पुत्र भीम को इसीलिए निर्जला एकादशी करने का सुझाव दिया था। आदि काल में देव ऋषि नारद ने 1000 वर्ष तक एकादशी का निर्जल व्रत करके नारायण भगवान की भक्ति प्राप्त की थी। वैष्णवों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ व्रत है। एक अन्य पौराणिक कथा के अनुसार माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया और उनका अंश पृथ्वी में समा गया। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। जिस दिन महर्षि मेधा का अंश पृथ्वी में समाया, उस दिन एकादशी थी, इसलिए एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना गया। मान्यता है कि एकादशी के दिन चावल खाना महर्षि मेधा के मांस और रक्त का सेवन करने जैसा है। इनको जीव रूप मानते हुए एकादशी को भोजन के रूप में ग्रहण करने से परहेज किया गया है, ताकि सात्विक रूप से विष्णु स्वरूप एकादशी का व्रत संपन्न हो सके। अब आपको इसका वैज्ञानिक कारण बताते हैं। वैज्ञानिक तथ्य के अनुसार चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। मन विचलित और चंचल होता है। मन के चंचल होने से व्रत के नियमों का पालन करने में बाधा आती है। एकादशी व्रत में मन का सात्विक भाव का पालन करना अति आवश्यक है। इसलिए एकादशी के दिन चावल से बनी चीजें खाना वर्जित कहा गया है। उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में एकादशी वाले दिन भी चावल खाया जाता है। इसके पीछे क्या कारण है? हिंदुओं में एकादशी के दिन चावल खाना दोषपूर्ण माना जाता है। उड़ीसा में चावल खाने के मुख्य सामग्री के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इसी कारण भगवान जगन्नाथ ने एकादशी को मंदिर में उल्टा लटका रखा है। तब से समस्त उड़ीसा में चावल एकादशी के दिन खाया जाता है। हम सब जानते हैं कि उत्तर भारत में एकादशी के दिन चावल न खाने की परंपरा है, पर चूंकि भगवान जगन्नाथ के मंदिर में साल के 365 दिन दाल चावल का भोग लगता है, अतः ऐसी मान्यता है कि कभी किसी विशेष एकादशी के अवसर पर स्वयं एकादशी ने आकर भगवान जगन्नाथ को चावल खाने से रोका। तब श्री कृष्ण ने उनकी अवहेलना करते हुए उन्हें वहां उल्टा लटकने का आदेश दिया। उसके बाद से ऐसी मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ के दर्शन के साथ इस एकादशी मंदिर के दर्शन करने वाले व्यक्ति के किसी भी एकादशी में गलती से चावल खाने का पाप नहीं लगता। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी होगी। आपको अगर कोई और जानकारी प्राप्त करनी है तो प्लीज हमें लिखें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सब इस पोस्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक का बटन क्लिक करें। थैंक यू। हरे कृष्णा। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।